थ्री और एंगल कितना 45। यस लेट कर लो, ये वाला भी है, इसको और इसको कर लो, तो देखो लग गया आपका चैम्फर। सर पर प्रॉब्लम कर रहा है, फ्रीज हो रहा है बार बार सर स्क्रीन। सर वीडियो फ्रीज हो गया सर, आगे नहीं दिख रहा सर कुछ। अच्छा आगे नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं आ रहा। नो सर। ओके व्हाट वाज द प्रॉब्लम? हाँ मैंने एक पीडीएफ भेजा था ग्रुप में, देखा नहीं आपने? अब स्क्रीन शेयर होगी मेरी तो नहीं एक जगह रुका है सर? हाँ चल रहा है सर। ठीक है अब देखो सर, एक माउस कर्सर एक बार हिलाइएगा सर। अब मेरे लैंड बन रही है। अब जैसे कि आपकी ये एमएम में डिस्टेंस है, आपने कितने की वो थिकनेस लेनी है, जैसे कि आपने 500 की ये एक लेंथ ले ली वॉल की, ठीक है? और ये आपने 30 की ये विड्थ ले ली 30 की। हाँ ये सपोज एक वॉल बन गई आपकी, ठीक है? हाँ अब यहाँ से इसको प्रेस पुल कर दिया आपने, ये इसकी हाइट ले ली आपने ऊपर की तरफ। मैं बिना डायमेंशन के बना रहा हूँ, आप प्रॉपरली डायमेंशन लेके करना, ठीक है? अब आपने फिर से लाइन ली, अब इसको आपको जो विंडो लगानी है वो इसके मिड से लगानी है। हाँ ऊपर की तरफ गए, जितनी भी आपको सिलाइट लेनी है। हाँ सपोज आपने 120 ले ली सिलाइट, अब कितनी थिकनेस लेनी है उतनी यहाँ पे आपने थिकनेस ले ली, जैसे कि सपोज 100 ये ले ली, ऊपर की तरफ आपने 150 ले ली। हाँ और ये आपने इस तरफ ले ली 200, डबल हो जाएगा ना? हाँ तभी तो बीच में हाँ, आएगी। हाँ और ये इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया और नीचे वाली लाइन को कर दो डिलीट, तो ये आपकी परफेक्ट विंडो पोजीशन आ गई। नहीं आ गई? आ गई। और अब क्या ले लो यहाँ से प्रेस पुल, इस विंडो को सेलेक्ट करो और अंदर की तरफ इसको कर दो, तो कट हो गई ये देखिए। दिखा नहीं सर कैसे प्रेस पुल किए बाहर की तरफ, अंदर की तरफ करना है। प्रेस का मतलब उसको दबाना होगा ना अंदर की तरफ, पुल मतलब बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, मतलब जिस तरफ आपको कट करना है आपको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। हाँ स्लो दिख रहा था सर। ठीक है सर समझ गए। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। कर लोगे? हाँ अब मैं आगे बढ़ूं पढ़ा दूं? हाँ सर। हाँ सर किसी को और कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है भाई। अब आपको सबको एक्सट्रूड और प्रेस पुल दोनों कमांडें समझ में आ गई? हाँ हाँ मैं पूछ रहा हूँ जी कि 2D से अगर 3D में लाएंगे ड्राइंग को तो 3D में भी यूनिट सेट करना पड़ेगा? नहीं भाई पता नहीं आप क्यों लेके आ रहे हो, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी अगर 2D प्लान खोलो, इसमें कोई सा भी ओपन जाओ भाई, उसी 3D में करेंगे तो 3D में करने की जरूरत ही नहीं है भाई। और आपने जिस प्लान जिस कोई भी अगर प्लान है आपका, ठीक है, जैसे कि आपका इसमें ये सहिता विहार का प्लान है मेरे पास, एक इसको ओपन किया, ये आपका प्लान दिख रहा है 2D में, इसको आइसोमेट्रिक कर लो, जो मैंने डायमेंशन लिया उसी डायमेंशन में तो होगा ये। अब इसको जैसे प्रेस पुल करना है कर लो, तो उसी डायमेंशन में तो उठेगा जो मैंने यूनिट सेट की होगी इसमें स्टार्टिंग में। हाँ तो पता नहीं इनकी डायमेंशन कैसे चेंज हो गई है। डायमेंशन चेंज नहीं होती ना सर, अगर वही प्लान को उठा रहे हैं या प्रेस पुल या कोई 3D प्लान बना रहे, वही प्लान को जिन्होंने इन्होंने जो यूनिट में पहले में बनाया 2D, अरे भाई आप उठेगा तो डायमेंशन से उठेगा। ऑटोकैड की फाइल है, ऑटोकैड में खोल रहे तो डायमेंशन क्यों चेंज होगी? अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की इसमें लेके आ रहे हो तो डायमेंशन चेंज होने का मतलब बनता है। आपने कॉपी किया होगा उसको पक्का, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में
क्यों आतिश, कॉपी किया था क्या? आतिश चलो ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ सर, एक ही पेज में दो तीन ड्राइंग बना दिया था मैंने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो मैं सोचा कि नया पेज में इसको 2D को ले जाके बनाता हूँ 3D में, तो शायद आपने कॉपी किया होगा आपने उसको, इसीलिए आपकी डायमेंशन चेंज हुई है, वरना नहीं होंगी। ओके, जैसे ओके। कि आपने इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके दूसरी फाइल में ले जाके खोला होगा। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट कमांड आती है रिवॉल्व। क्या आती है? रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या होता है आपका, जैसे कोई सर्कुलर आपका कोई फिगर है और उसको चारों तरफ से रिवॉल्व कराना है आपको, तो आप यहाँ से रिवॉल्व कमांड से उसको रिवॉल्व करा सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखो, आप एक कॉलम बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? कॉलम। कॉलम, तो आप यहाँ से सर्कुलर, वो भी सर्कुलर कॉलम, यहाँ से फ्रंट प्लेन लो, ये आपका फ्रंट प्लेन आ गया। अब वो यहाँ से आपने ये एक सेंटर लाइन ड्रॉ की, ये सेंटर लाइन है, जितनी आपको हाइट चाहिए अपने कॉलम की उतनी ले लो, ठीक है। और यहाँ से जितनी आपको उसकी थिकनेस चाहिए, जैसे सर्कुलर का रेडियस होगा तो ये रेडियस की तरह ही तो काउंट होगा, तो आप यहाँ से 50 ले लो, और इसकी थिकनेस कितनी चाहिए वो ले लो, यहाँ से इस तरह से आपने इसको ले लिया, और ऊपर गए यहाँ पे आपने इसको इस तरह से शेप दे दी, कोई सी भी वैसे ही अलग ही नॉर्मली, ठीक है। और हाइट पे गए, आपने एक शेप उसको यहाँ दे दी इस तरह से, और इसको बाहर की तरफ ला करके, और ये आपने इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दी, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे आपको फिलेट चैम्फर लगाना है, एफ एंटर कर दो, फ्लेट लगा देते हैं, रेडियस के लिए आर डाल दो, और यहाँ पे रेडियस आप डाल दो 3 का, तो यहाँ पे भी आप फ्लेट लगा दिया, और यहाँ पे भी आप फ्लेट लगा सकते हो इसमें, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और लास्ट में आपका ये हो गया आपका। देखो फिगर बन गया, आधा बना है आपका। अब यहाँ से क्या लो, रिवॉल्व, पूरे ऑब्जेक्ट को सेट करो, एंटर मारो। अब क्या मांग रहा है, रोटेशन एक्सिस, तो ये रोटेशन एक्सिस दे दो इसको, और एंगल कितना देना होगा, 360, क्योंकि चारों तीनों साइड चाहिए आपको, 360 दे दो। हाँ। और फिर आप यहाँ से इसको आइसोमेट्रिक में देखो, तो आपको ये दिख गया, कॉलम बन गया, देखो रिवॉल्व होकर के उसी शेप में। हाँ, yes. हाँ। तो इस तरह की अगर आपको रिवॉल्व में आप... अच्छा, पूरा कुछ सर्कल बना देता है, सॉलिड कर देता है। हाँ जी, मतलब वो चारों तरफ से उसको रिवॉल्व कर देगा। इसमें आपको आधी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और एक एक्सेस के अबाउट उसको रिवॉल्व कराना पड़ेगा। ओके सर, कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। इसमें आपको जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें इस ये थर्ड वाली ड्राइंग को आप इससे रिवॉल्व से बना सकते हो। ओके। इसको आधा बना करके और रिवॉल्व करा देना, तो आपका ये फिगर बन सकता है। Yes. ठीक है। Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No. रिवॉल्व कमांड क्लियर है आपको? No, सबको? हाँ सर। ठीक है। अब इसमें आती है आपकी एक और आती है स्वीप कमांड। क्या आती है? स्वीप। स्वीप में क्या होता है कि आपको एक पाथ फॉलो कराना होता है। क्या कराना होता है? पाथ। और एक बनानी होती है आपको प्रोफाइल। क्या बनानी होती है? प्रोफाइल। प्रोफाइल जैसे कि आप देख रहे हो ये स्प्रिंग जैसा बना हुआ है। Yes.
या आप इसको सॉकर वाली जो स्प्रिंग होती है बाइकों में लगती है, कार में लगती है, बहुत जगह लगती है, तो वो भी आप बना सकते हो। तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो क्या होगी, हेलिकल होगी, क्या होगी, हेलिक्स स्प्रिंग टाइम में। तो आपका ड्रॉ में हेलिक्स एक कमांड होती है, ये रही आपकी हेलिक्स, है ना, याद है मैंने 2D में छुड़वाया था इसको, 3D में बताने के लिए। हाँ सर। हाँ, अब हेलिक्स ले लो, हेलिक्स का सेंटर पॉइंट दे दो आप पहले, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दिया। अब इसका रेडियस आपको कितना चाहिए, 200 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ? और टॉप रेडियस कितना लेना चाहते हो आप इसका, 100। तो आपका नीचे का बड़ा रेडियस हो, मतलब कि रेडियस बड़ा हो जाएगा और टॉप का छोटा हो जाएगा। हाँ। तो ठीक है, आप 100 लेना चाहते हो तो 100 दे देते हैं इसको टॉप रेडियस। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने चाहिए आपको, अभी नंबर ऑफ टर्न्स कितने, तीन है तो कितने चाहिए आपको, पांच ले लो। तो इसमें टर्न का एक ऑप्शन है, टी एंटर कर दो आप इसमें। हाँ। और 10 ले लेते हैं। हाँ सर, 10 देते हैं। अब देखो जितना आप इसमें हाइट लोगे उनकी बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। हाँ। और अभी ये जो आपका स्प्रिंग जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ। अगर आप इसमें ट्विस्ट कर दोगे, W कर दो ट्विस्ट के लिए, तो आपका वो काउंटर, जैसे अभी ये काउंटर क्लॉकवाइज है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे CW दे दो, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। देखो आपकी हो गई। हाँ, तो ये अब इसमें हाइट हम कितनी ले लें, 250 तो ज्यादा, 250 ले लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ। आ गया 250। अब जो इसके ऊपर स्प्रिंग का जो डाया चाहिए आपको, तो वो उसके लिए एक सर्कल लेना पड़ेगा हमें, उसका हाँ? क्या रेडियस चाहिए आपको बताओ, फिफ्टी। अगर इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इंटरसेक्ट ना करे। अभी देखो आपने टोटल हाइट ली है 250। हाँ। और टर्न लिए हैं आपने कितना, 10। तो उनके बीच का डिस्टेंस 25 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। यस सर। तो आप 50 रेडियस का उसके ऊपर करा सकते हो कर स्वीप, नहीं सर नहीं करा पाओगे, तो वो इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। 20 ले लो, हम यहाँ पे 15 ले लेते हैं। हाँ, 15। और यहाँ से ले लो आप क्या, लेकिन इसका 15 हमने लिया है तो इसका रेडियस कितना हो गया, 30 डायमीटर 30 हो गया ना। हाँ, डायमीटर। और वहां पे डायमीटर का डिस्टेंस 25 ही है उनके बीच में, तो ये भी पॉसिबल। हाँ, नहीं है। 10 ले लो सर। हाँ, मतलब 20 हो जाएगा। बिल्कुल 10 ले लो आप यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या ले लो आप, स्वीप कमांड, स्वीप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एंटर मारो, और ये आपका क्या हो गया, पाथ। हो रहा है, ठीक है, रुकी नहीं है, ये इतना टाइम ले रहा है उसको प्रोसेस करने में। ये देखिए, आई बात समझ में। ओके सर। तो ये स्वीप का भी स्वीप अपन रेलिंग को भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, लाइन बना करके रेलिंग पे करा दो पाइप की तरह, तो आपका वो पाइप बन जाएगा। ओके, ठीक है। ओके सर, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, मतलब कोई भी इसमें वो नहीं है। ओके सर, किसी को कोई डाउट, कैसा भी ले सकता है ना, ऐसा कोई नहीं है कि सर्कल ही चाहिए करके। नहीं, आप रेक्टेंगुलर ले लो, इलिप्टिकल ले लो, पॉलीगन ले लो, लेकिन होनी क्लोज्ड चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब देखो, अब आता है आपका लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट में क्या होता है, आपको
क्रॉस सेक्शंस बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ एक बोतल टाइप में। तो ये आपकी बोतल का बेस रेडियस आपने ले लिया 50, ठीक है भाई? हाँ। और इसका एक और रेडियस ले लिया मैंने 45, ठीक है? ओके। और एक और लिया जो बीच में से वो आपका थोड़ा सा वो होता है ना पतला, हाँ हाँ, तो उसके लिए मैंने ले लिया इसको 25, ठीक है? ओके। और फिर आपका नेक आता है और नेक का मैंने ले लिया यहाँ पे उसका 10, ठीक है? अब वो ये मेरा एक ही प्लेन पे है, हाँ। और एक और सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एक ही प्लेन पे है या अलग अलग प्लेन पे है? एक ही प्लेन पे है। अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है तो बता पाओगे? सर यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट ये लगा के डिस्टेंस नहीं, हाइट पूछ रहा हूँ, इनके बीच की हाइट। नहीं सर, हाइट नहीं। हाइट तो जीरो होगी, जीरो, क्योंकि एक ही प्लेन पे है। हाँ। लेकिन दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना हाइट पे है। हाँ। तो इन दो लॉफ्ट कमांड में जब तक दो सर्कल दो क्रॉस सेक्शंस के बीच में हाइट नहीं होगी तब तक आप इसे लगा नहीं पाएंगे। तो मैं अब इनको मूव कर रहा हूँ, इस सर्कल को सेलेक्ट किया मैंने, तो देखो एक्स वाई जेड का मूव का ऑप्शन इसमें ऑटोमेटिकली आ गया सेलेक्ट करते ही। हाँ, हाँ। तो आप इस ब्लू वाली लाइन को पकड़ो, ये जेड है आपकी, हाँ। इसको हाइट दे दो, आपने इसको इतनी हाइट पे उठा दिया, ठीक है? हाँ। ओके। अब आपने इसको पकड़ा छोटे वाले को, इसको समथिंग अराउंड आपने इसके थोड़ा सा ऊपर उठा के रख दिया, ठीक है? ओके। हाइट में जा रहा है ये? हाँ। अब वो इसी को कॉपी करना है क्योंकि ऊपर की तरफ आपका उसी शेप में जाएगा ना। हाँ। या आपको छोटा छोटा करते जाना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ छोटा छोटा सर बोतल बनानी। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर आप इसको नहीं करते, अब सीधे इस छोटे वाले को ही ले लेते हैं और इसको ऊपर लेके आ जाते हैं यहाँ। अब ये तो इसकी नेक बनाने के लिए इसको ऊपर कॉपी भी करना पड़ेगा, ये वो कर दो, सेलेक्ट करो इसको, एंटर मारो, जेड डायरेक्शन में इसको डिस्टेंस। रुकी है क्या? नहीं, हाँ सर हो रहे हो, ठीक है आ गया। हाँ, अब यहाँ से ले लो लॉफ्ट कमांड और एक हाँ, एक करके सारे सर्कल्स को सेट कर लो, लेकिन सीक्वेंस में करना, ये नहीं कि एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये देखिए आपकी बोतल बन गई। अच्छा, यहाँ से आपको स्मूथ है, एक नॉर्मल टू ऑल सेक्शन कर दोगे तो आपकी इस तरह की शेप आ जाएगी इसमें, देखो ठीक है। और नॉर्मल टू स्टार्ट सेक्शन करोगे तो ऐसी आएगी, ये कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपने रूल्ड कर दिया तो एकदम ऐसे आएगी जैसे आपने लाइन खींच दी हो, इसलिए नॉर्मल टू ऑल सेक्शन रखो इसको और एंटर मारो। तो देखिए बन गई आपकी शेप बोतल जैसी। हाँ सर, जैसे आपकी उसकी कोका कोला की बोतल आती है ना, नीचे से मोटी फिर बीच में पतली फिर मोटी होती है फिर आपकी पतली हो जाती है। सर ये शैंपेन की बोतल बन गई सर। चलो लिमका की बोतल बना देते हैं इसको, काय को टेंशन ले रहे हो। इस बोतल को यहाँ से कॉपी कर दो ऊपर की तरफ, यहाँ पे ले आओ इसको, ठीक है? और इन दोनों जो छोटे सर्कल है इनको मूव कर दो ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है? अब इसको देखो लॉफ्ट करके देखो तो कैसा बनता है आपका फिगर, फ्लैट करो एक एक करके। बन गए देखो। कोका कोला की बोतल बन गई, बिस्लरी बन गई। तो इस तरह से भी आप इसको लॉफ्ट में यूज कर सकते हो। Okay, इसमें क्रॉस सेक्शंस आपके होने चाहिए, ठीक है? ठीक है सर।
यहाँ तक कोई डाउट? चारों कमांडें क्लियर हो गई आपको? हाँ सर। yes. अच्छा एक और आपकी काम की चीज है ये पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड क्या होता है? ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है आपका। तो यहाँ से पॉलीसॉलिड लो, तो सबसे पहले आपको इसकी विड्थ दे दो। विड्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? W एंटर करना पड़ेगा। आपकी वॉल की विड्थ कितनी होती है? 230 दे दो। 230। अब वॉल की हाइट क्या होती है? हाइट के लिए H एंटर करो। 10 फीट लेनी है तो आपको 3000 लेना पड़ेगा। और यहाँ से स्टार्ट करो ड्रॉ करना। लंबाई कितनी चाहिए? ये आपकी लेंथ हो जाएगी। 4000 दे दी तो ये 4000 की विड्थ हो गई। ये आपने 5000 की विड्थ दे दी तो ये 5000 की विड्थ हो गई। तो इस तरह से आप इसमें ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। आ गया समझ? नहीं सर। क्या समझ में नहीं आया इसमें बताओ? सर वो सेटिंग तो समझ गए क्या क्या ड्रॉ करना है, लेकिन उसकी बात का नहीं समझा। जो लेंथ हाइट समझ गए, विड्थ हाइट, उसका बात का दिखा नहीं सर कैसे ड्रॉ किया। स्क्रीन फ्रीज हो गई थी ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस आपको फिर तो जैसे लाइन बनाते हो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दे करके, फर्स्ट पॉइंट तो वैसे ही आपको पॉइंट देने हैं और ड्रॉ करना है। ठीक है सर। आ गया समझ? यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो अब फिगर बनाइएगा डियर और करेंगे आगे की कमांड कल।